विंडोज ठीक है। विंडोज लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन हम लोग किए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कर लिए थे, है ना। इससे रिलेटेड तो पढ़ा दिया था सब आपको। सुनो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये कल किए थे लगता है क्या, हो गया ये सॉल्व किए थे क्या कल हम लोग। चैट पे रिप्लाई कर देना एटलीस्ट कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्या। अच्छा ओके हो चुका है तो इसको लीव कीजिए, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स, सॉल्व करो। ट्रिगो का एक फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को, इनवर्स ट्रिगो का ये वाला फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ये फॉर्मूला याद है क्या बताओ। इसी का यूज करो आ जाएगा। देखो दोस्त इसको क्या लिख सकते, तुम लोग कर रहे हो या मैं सॉल्व करूं।
ये पाई बाई टू लिख सकते, तो टू बाई पाई बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये डीएक्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसी को देखो क्या लिख सकते हैं, तो टू बाई पाई और साइन, साइन इनवर्स एक्स रहने देते हैं, है ना, कॉस को चेंज कर लेते हैं, कॉस को क्या लिख सकते, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते, ये क्या हो जाएगा टू बाई पाई, और ये चेक करोगे तो क्या हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, और यहां पे आप जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, और ये डीएक्स होगा। अब तुम थोड़ा और ये कर लो, तो मैं पहले इसका लिख देता हूं, ठीक है ना, ये अलग लिखता हूं, नहीं तो फिर तुम परेशान होगे। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा माइनस, और ये चेक कर लो पाई 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 कैंसिल टू कैंसिल, ये क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा। आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हो? अब ये सॉल्व करने के लिए तुम्हें सोचना है कि ये कैसे सॉल्व कर सकते, बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते। एक तो यूवी रूल यूज कर लो, है ना, नहीं तो एक और ऑप्शन देता हूं मैं इसका कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यहां कल सिखाया था कुछ आपको कि सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसा लिख सकते क्या, एक्स इक्वल टू कॉस एस, थोड़ा मैं शायद गलत लिख रहा हूं ना, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां पे चेक कर लो इसको क्या लिख सकते, तो साइन इनवर्स रूट में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और dx को क्या लिख सकते साइन टू थीटा, है ना, इसको लिख सकते साइन टू थीटा मैं थोड़ा और डी थीटा। अब यहां पे चेक करो तो ये थीटा हो जाएगा, तुम इनवर्स में पढ़े हो, थीटा साइन टू थीटा डी थीटा, ये देखो वैसे ही हो गया एक्स साइन एक्स, लास्ट डे जो किए थे इसी टाइप हो गया, जस्ट मैं दिखा दे रहा हूं आपको, याद है देखो ये वाला किए थे लास्ट, उसी तरह हो गया ये, है ना, एक्स साइन एक्स है वैसे ही हो गया, ये थीटा और टू थीटा है, तो बस इसके लिए क्या काम करोगे, तो पहले थीटा बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस, और क्या करेंगे इसके डिफरेंशिएशन, तो डी थीटा अपॉन डी थीटा इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा, ये तो हो गया, और इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन करना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू हो जाएगा, माइनस रहने देते हैं इसको, और इसका देख लो ये वन हो जाएगा, इसका चेक करोगे तो माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू इसका आएगा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब आप और चेक करोगे तो माइनस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका वन बाई टू, और ये क्या हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन टू हो जाएगा, है ना, ये हो गया प्लस सी हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या रख दोगे, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, थीटा ये हो जाएगा, थीटा की जगह रख दो, क्वेश्चन करो, माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस टू साइन इनवर्स रूट एक्स,
प्लस 1/4 साइन 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यही है प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो, ये क्लियर है सबको, बोलो यार। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। कल से तुम्हें, आज ही मैं सोचा था लेकिन लेट हो गया, सो महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन सब। हो गया, बोलो। चलो हो गया है तो मैं सॉल्व करता हूं। हो गया कि कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, सॉल्व हुआ तुम लोग से या नहीं हुआ, ट्राई कर रहे हो क्या है? जवाब नहीं दोगे कहां से पता चलेगा तुझे दोस्त? एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताओ। मान लो y ले लो तो क्या हो जाएगा, dy by dx
एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, इसका लेगा तो माइनस साइन एक्स होगा, मतलब एक्स कॉस एक्स। ये कल भी किए थे हम लोग, ठीक है। अब तुम सोचो कि तुमको कैसे भी ये पार्ट कहीं ना कहीं दिखने चाहिए, और नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होना है, ये मीनिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया और इसका जो एक्स बचा हुआ ये, और ये मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड भी कर देते हैं ये। अब तुम चेक करो तो अब तुम्हारा काम हो सकता है। तो इसको पहले फर्स्ट वाला ले लो और ये सेकंड ले लो। तो क्या करोगे, एक्स कॉस एक्स बाहर हो गया और एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। माइनस इसका क्या लेते हैं, तो इसका तुम्हें लेना पड़ता है डिफरेंशिएशन। इसके डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक ये कॉसेक्स हो जाएगा माइनस ये एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। देख लो यार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई बोलेगा तो मैं पूरा फिर लिखना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा, कोई इशू नहीं। ये इसका क्या हो गया, ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और इसका क्या लेना रहता है हम लोग को, इंटीग्रेशन। कभी इंटीग्रेशन किए नहीं है, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डीएक्स हो गया और ये पूरा जो होगा इसका फिर से डिफरेंशिएशन लेना होता है ना। अब देखो इजी है दोस्त, अब ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको तुम टी लेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या मैं कर देता हूं साइड में ताकि आपको पता चलते रहे, क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं जो पूछते नहीं है कुछ, रिमेनिंग को तो समझ में आना चाहिए। अब इसको टी ले, यहाँ पे तो किया ही है तो वाई रख के ही रखते हैं, तो इसको ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये एक्स कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। और डी एक्स को क्या लिख सकते हो, तो डी वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका जो है वो वाई रेज टू माइनस टू डी वाई हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन देखोगे तो वाई रेज टू क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन बाय वाई हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसका लिख रहा हूँ दोस्त, एक्स कॉस एक्स हो गया और इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस वन बाय वाई, वाई की जगह क्या था, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तुम्हारा हो गया। माइनस इसका तो डिफरेंशिएशन लिख लिए थे, तो ये था कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस क्या है, कॉस एक्स और ये डी एक्स, देखो ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब बता दो दोस्त, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स, तो कहानी कदम, माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, टेन एक्स प्लस सी, खत्म हो गया ये। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो और भी तुम्हें आगे मिल जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है ना, इसी को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि मैं करूं सिंप्लीफाई, बोलो हो जाएगा यार कि नहीं, चल मैं ही कर देता हूँ। हाँ कल तुम लोग बोल रहा था कि सर करो, मैं ही कर देता हूँ, चलिए इससे टाइम थोड़ा जा रहा है, अदरवाइज तो कर ही लेंगे।
यहां से क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। इसको वन बाय कॉस एक्स रहने दो, इसको देखो एक्स कॉमन ले लो तो वन माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते माइनस एक्स कॉमन लिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और ये एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा। यहाँ चेक करोगे तो वन बाय कॉस एक्स हो जाएगा, ये चेक करोगे तो कॉस स्क्वायर तो माइनस एक्स, देखो इतना तुम लोग लिखवाया मेरे से, ये हो जाएगा। यहाँ चेक करोगे तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे ना तो कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो कॉस एक्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर ही, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया क्या, बोलो ये क्लियर है क्या सबको, वो लेंथी चला गया थोड़ा सॉल्यूशन, तुम्हें यहां से देख लो भाई कुछ तुम लोग को। अब ये भी क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं कि कैसे करना है। ये क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है, अरे जल्दी बोलो दोस्त, अब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना ऐसे। चलो ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन बाद में फिर सॉल्व करके देख लेना, ऐसा नहीं कि चलो। एक देखो इस तरह के फॉर्म होते हैं, इरेज टू एक्स, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो ई रेज टू एस एफ एक्स होता है। अब तुम्हें कभी भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा किस फॉर्म में लाना हो, अब इस फॉर्म में आ गया तो तुम्हारा इंटीग्रेशन तुरंत हो जाएगा। अच्छा तुम लोग प्रूफ कर सकते हो क्या कि ये आएगा, ये ऐसे होगा, मतलब इसकी इंटीग्रेशन जो है ये आएगा, ये प्रूफ कर सकते हो। नहीं इसको रहने दो, इसको कर लो e raise to x f x dx है ना, ये dx छूट गया है, प्लस क्या हो जाएगा e raise to x f dash x dx। अब यहाँ पे क्या करो दोस्त कि तुम एफ एक्स जो है वो इसका इसका भी नहीं कर रहे, ठीक ना, केवल इसका कर रहे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करो, तो एफ एक्स बाहर ले लिए, ई रेज टू एक्स डी एक्स हो गया, माइनस इसका डिफरेंसिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका क्या लेना है इंटीग्रेशन, फिर ये सबका इंटीग्रेशन, ऐसे केवल इसका कर रहे हैं हम लोग दोस्त। अब क्या हो जाएगा एफ एक्स और इसका क्या लिख लेगा ई रेज टू एक्स डी एक्स ही होगा। यहां पर कैसे लिख सकते, तो इसको लिख सकते एफ एक्स और ये चेक करेगा e रेज टू एक्स ही होगा और ये dx। अब देखो ये इसका लिखा, अब इसका जैसे ही तुम लिखेगा ये क्या हो जाएगा e रेज टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो देखो ये कैंसिल हो गया है ना,
तुम्हारा फाइनली क्या हो गया? अच्छा ये तो FX सेंसर हो गया, यही है। ये आया क्या समझ में तुम लोग को? जल्दी बोलो। ये क्लियर है? ओके okay। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक ना? तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ईरेक्स छोड़ के, तो उसको एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्म में लाने का, ठीक है? तो एक इजी क्वेश्चन है, उसको कर लो। आई थिंक कि ये फटाक से सॉल्व कर लो, ये इजी है, कर लोगे तुम। ये कर लोगे। अब देखो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है? वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? ये याद होगा तुम लोग को यार, माइक है तो एटलीस्ट बोल तो सकता है। अब सोचो किसको एफ एक्स लोगे और किसको एफ डैश एक्स लोगे, और ध्यान रखना ये प्लस के बीच में प्लस होना चाहिए, यानी कि माइनस है काम किए जा रहे हैं। तो तुम ध्यान दोगे तो ई रेस टू एक्स है, और इसको तुम माइनस कॉट एक्स ले लो और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ले लो डीएक्स। ये एफ एक्स ले लेगा तो इसका ये क्या है, डिफरेंशिएशन जो है वो आ जाएगा तुम्हारा। हाँ राइट है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एफ एक्स होगा और ये चेक करेगा तो इसी का एफ डैश निकालो तो ये मिलेगा। अब तुम्हें क्या सिखाया था कि ई रेज टू एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स मिल जाए तो क्या काम करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ एक्स लिख देना है। एफ एक्स की जगह क्या है, माइनस कॉट एक्स, तो क्या लिख देगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या? बोलो। अब ये तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आ जाता है। अब वो तो बोलोगे तो सर हर हर किसी में प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई ये तो तुम्हें इजी वाला मैं दे दिया कि आराम से तुम्हें दिख रहा है कि इसको कॉस कर देंगे, कॉट का ये होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करो सॉल्व कर, मतलब वो भी जाना पहचाना क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो।
इसको सोचो कैसे तुम एफ एक्स और एफ डैश एक्स में ला सकते। इसको तो सिंपलीफाई करो दोनों को, तो अपने तुम्हें पता चल जाए। जैसे तुम सिंपलीफाई करेगा क्लियर हो जाएगा। चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो बता सकते हैं तुम लोग। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है, ये तो तुम्हें हाफ एंगल में चेंज कर लो, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखोगे तो एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स एक्स बाई टू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये चेक करेगा तो ये क्या लिखा जा सकता है, तो कॉट एक्स बाई टू। देख लो फिर से ऊपर कहानी एकदम दिख रहा होगा तुम्हें, क्लियर। अच्छा ये थोड़ा ये हो गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं बताना भूल गया तुम्हें, इसमें तुम्हें परेशानी ये हो रहा होगा कि सर ये वन बाई टू आ गया, ये तो एफ एक्स और ये आएगा, है ना। ठीक है तो तुम इसका कैलकुलेट करके देखो तो इजीली मिल जाएगा। तुम इसका लो, इसका और ये एफ एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा ना, कैलकुलेट करोगे तो। क्या सेम ऊपर जैसे किया है वैसे ही आ जाएगा, देखो यहां पर जैसे था ना एकदम सेम उसी फॉर्म में नीचे आया है, इसी फॉर्म में। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते, ई रेस टू एक्स और ये माइनस हो जाएगा और कॉट एक्स वाई टू प्लस, जैसे यहां लिखे हो सेम यही आ जाए। क्लियर है क्या, बताओ बोलो। आज क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं कर पाए। अच्छा एक कुछ फॉर्म और लिख लो और उसको ध्यान में रखो, तुम चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, ऑलरेडी एक बता दिया है तुम्हें, ई रेस टू एम एक्स और एम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स समटाइम इस फॉर्म में रहता है, तो ई रेस टू एम एक्स एफ एक्स प्लस सी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता दिया ये ई रेस टू एम एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई एम हो जाएगा। इस रेस टू भी लिख सकते ई रेस टू एम एक्स एफ एक्स अपॉन एम प्लस सी। अब कभी ऐसे होता है ना टू एक्स लिख दिया थ्री एक्स लिख दिया, अब ऐसे रहेगा तो तुम्हें ये वाले फॉर्म ध्यान में रखने और डायरेक्ट सॉल्व कर लेने, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं तुम्हें देता हूँ तो वो उस टाइप के को इसी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो उसको कर लो आ जाएगा। e raise to 2 क्या होना चाहिए, 10 inverse x 1 plus x square
नहीं कुछ तो गड़बड़ है, नीचे भी ऐसे कर देते। ठीक है चलो इसको सॉल्व करो। बना एक काम करो, टेन इनवर्स एक्स को टी ले लो, है ना? तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये 1/1 + x² हो जाएगा और ये dt/dx हो जाएगा। अच्छा, ऊपर लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा, यहां से ही लिखते जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, e^2 2t हो जाएगा। ये देख लो दोस्त, 1 + x को क्या लिख सकते, 10t इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और ये 1 + x² हो जाएगा, और dx को क्या लिख सकते, तो 1 + x² dt ऐसे लिख सकते हैं। हाँ राइट है, राइट आ रहा है सही। ठीक है ये आप कर लेना, मैं कर देता हूँ थोड़ा आगे तक उसके बाद। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना होगा, e^2 2t हो गया,
और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, है ना। तो क्या लिखोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर टी प्लस टू टेन टी डी टी। अब आपको ये पता है इसको सेक स्क्वायर लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी प्लस टू टेन टी डी टी। अब यहां से तुम्हें एफ एक्स डी एक्स डिसाइड करने होंगे। अब देखो ये ई रेस टू टू है ना, तो तुम्हारे लिए ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, ई रेस टू टू एक्स और एफ एक्स। देख लो इसके डिफरेंसिएशन जो है ये होता है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते, तो ई रेस टू टू टी हो जाएगा और एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, तो ये टेन टी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। प्लस सी हो जाएगा, अब टी की जगह जो है रख दो, क्वेश्चन खत्म। टी की जगह क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और टी की जगह तो ये हो गया टेन और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो एक्चुअली ये एक्स हो गया था, एक्स ई रेस टू टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो करने हैं, क्लियर। बोलो अभी क्लास ही क्या तुम लोग किया। चलो हो गया ये।